नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव कंबोज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी शॉर्ट। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन जो आपका है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई अपडेट है। अपडेट ये है कि हम कल से SSC स्टेनो की क्लास शुरू कर रहे हैं। SSC स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है अभी 2018 की, उसके लिए रेगुलर क्लासेस कल से हम शुरू कर रहे हैं। तो डेली आपको यहाँ पे एक वीडियो अपडेट मिलेगा। तो सभी सब्जेक्ट्स हम टॉपिक वाइज टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स की सीरीज आपको पता है मैं चलाता हूँ, तो आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं और उनका गहन विश्लेषण भी मिलता है जितनी भी अपने न्यूज़ आती हैं उनका। तो चलिए आज सबसे पहले देखते हैं पहला करंट अफेयर आपका कौन सा बन रहा है। तो सबसे पहला करंट अफेयर आपका आ रहा है चुनाव आयोग से। कहाँ से आ रहा है? चुनाव आयोग। इलेक्शन का समय है तो इससे जुड़े क्वेश्चन बहुत सारे आगे बनेंगे भी, इलेक्शन समाप्त होने के बाद भी क्वेश्चन आते रहेंगे एग्जाम में। चुनाव आयोग से क्या आपका क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे, मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे यानी मेन जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो थे ओपी रावत। कौन थे? ओपी रावत। अब इनको बदल दिया गया है, अब इनकी जगह नए नियुक्त कर दिए गए हैं। उनका नाम क्या है? सुनील अरोड़ा। उनका नाम है सुनील अरोड़ा, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। सुनील अरोड़ा ये 62 साल के हैं और इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सुनील अरोड़ा जी, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त, नया मुख्य चुनाव आयुक्त आपका क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। भूतपूर्व पहले उसे कौन से थे? ओपी रावत, जो हाल ही में हटाए गए हैं। सुनील अरोड़ा, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है तो सुनील अरोड़ा इनको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो बात कर लेते हैं कुछ और कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है होता क्या है, थोड़ा सा और इसका विश्लेषण करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र जो है कहाँ मिलता है आपको? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जो आपको जिक्र मिलता है वो आर्टिकल 324 में मिलता है, अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है हमारे संविधान में, मुख्य चुनाव आयुक्त का अनुच्छेद 324। उसमें यह भी बताया गया है कि ये रिज़ाइन कब करेगा, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको भी बनाया जाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिज़ाइन कब देता है, उसका कार्यकाल कितना साल का होता है? उसका कार्यकाल होता है 6 साल का या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। अगर वो बंदा पहले 65 साल का हो जाता है तब वो रिटायरमेंट उसको देना पड़ेगा, रिज़ाइन देना पड़ेगा, या वो 6 साल उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसको जाना पड़ेगा। तो ये सारा आपका गहन विश्लेषण था आपका मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर। मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है, हाल ही में बनाया गया सुनील अरोड़ा को, पहले कौन थे? ओपी रावत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अगला करंट अफेयर्स आपका क्या बन रहा है, कौन से क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं? अगला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है देश रोमानिया से। एक देश है रोमानिया। रोमानिया के विदेश मंत्री हाल ही में भारत के दौरे पर हैं। रोमानिया के विदेश मंत्री हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? सुषमा स्वराज जी, उनसे मुलाकात करने आए हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की, तो रोमानिया के विदेश मंत्री थे वो। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि रोमानिया के विदेश मंत्री का नाम क्या है। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है बिहार से। बिहार में ऐसा क्या हो गया है? बिहार के लिए भारत सरकार ने लोन लिया है। किस लिए, क्या जरूरत पड़ गई? बिहार में डेवलप किया जा रहा है, बिहार के अंदर जितने भी स्टेट हाईवे हैं उनको इम्प्रूव किया जा रहा है, उनको इम्प्रूव किया जा रहा है, उनकी मरम्मत के लिए भारत सरकार को पैसा चाहिए। और भारत सरकार पैसा किससे ले रही है?
ले रही है एडीबी से, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये पूरे एशिया का बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें बहुत सारे देशों की, एशियाई देशों की हिस्सेदारी है, ताकि वो उनसे टाइम टू टाइम क्या कर सकें, लोन ले सकें। तो एडीबी से, एडीबी और भारत सरकार के बीच में करार हुआ है, 230 किलोमीटर का जो स्टेट हाईवे है इसको इम्प्रूव करना है, और धन कितना ले रहे हैं, 200 मिलियन डॉलर, डॉलर का साइन ये रहा, मिलियन डॉलर का इन्होंने ऋण लिया है भारत सरकार ने बिहार के स्टेट हाईवे को इम्प्रूव करने के लिए, यानी हर कंडीशन में वो रोड वहाँ की चल जाएँ, इसलिए बिहार सरकार के लिए इन्होंने लोन लिया है। और एक इसी लोन के जरिए एक इंस्टीट्यूशन भी वहाँ बनना है, एक संस्था भी बननी है, वो कौन सी संस्था है, स्टेट लेवल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी सड़कों के लिए एक आप कर सकते हो कि कॉलेज बनना है, जहाँ पे रिसर्च होगी कि सड़कों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इनकी मरम्मत की जाए, कैसे इनको इम्प्रूव किया जाए। तो एक तो ये इंस्टीट्यूशन प्लस जितने भी बिहार के स्टेट हाईवे हैं, 230 किलोमीटर तक का इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए 200 मिलियन डॉलर लिए हैं, कहाँ से, एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, किसने लिए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने बिहार के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका बन रहा था। तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने एडीबी से कितने पैसे लिए बिहार के लिए, तो ये आ सकता है, क्या कौन सा इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जा रहा है, स्टेट लेवल रोड इंस्टीट्यूशन, तो ये भी हो सकता है, कौन से राज्य के लिए लिए, बिहार के लिए, किस लिए लिए, स्टेट को, स्टेट हाईवे को इम्प्रूव करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका नासा से। नासा आपको पता है अमेरिका की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है नासा, जो हमारी किस जितनी भी ब्रह्मांड से रिलेटेड जितनी भी खोज होती हैं, जितने भी हमारे ग्रह हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी, यानी खगोलीय पिंडों के बारे में जितनी भी रिसर्च की जाती है वो नासा द्वारा की जाती है। तो नासा से रिलेटेड आपका करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और नासा ने एक अपना उपग्रह छोड़ा था, अपना एक कह सकते हो क्राफ्ट छोड़ा था मंगल ग्रह के लिए, उस क्राफ्ट का नाम क्या था आपका, इनसाइट स्पेस क्राफ्ट ने वहाँ पे लैंडिंग कर ली है फाइनली 7 महीने बाद, इनसाइट स्पेस क्राफ्ट नाम है उसका, कहाँ के लिए भेजा गया था, मंगल ग्रह के लिए, कहाँ भेजा गया था, मंगल ग्रह भेजा गया था, और वहाँ पे इसने लैंडिंग कर ली है, 7 महीने बाद पहुँचा है। तो इसमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, कई जगह आपको 6 महीने मिलेगा, 7 महीने मिलेगा, तो जो भी ऑप्शन आपको मिले उस हिसाब से आप इसको टिक कर देंगे। तो नासा से ये आ रही थी खबर, और इसने कितना सफ़र तय किया ये भी आपसे पूछ सकता है, तो 482 मिलियन किलोमीटर, मिलियन कितना होता है, 1,000,000 होता है, 482 मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय करके लास्ट में ये मंगल ग्रह पे पहुंच गया है, और वहाँ पे इसने लैंडिंग कर ली है। कौन सा स्पेसक्राफ्ट था, इनसाइट स्पेसक्राफ्ट था, किसने लॉन्च किया था, नासा ने 7 महीने पहले। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप इसको कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, नेक्स्ट आपका करंट अफेयर जो है वो कहाँ से बन सकता है। आगे एक छोटी सी खबर पे चलते हैं कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आजकल बहुत ज़्यादा निधन हो रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। यूपीए सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्ट्री भी रहे हैं, तो उनका नाम क्या है, तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेता की का निधन हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वो निधन किसका हुआ है, सीके जफर शरीफ, उनका नाम है सीके जफर शरीफ। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाला है नहीं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता की डेथ हुई है, तो ये आपसे पूछ सकता है, उनका नाम पूछ सकता है, और वो किस पार्टी से संबंधित है ये भी पूछ सकता है।
क्योंकि आजकल क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल करके एग्जाम वाले पूछ लेते हैं, तो आपको हर खबर का, हर क्वेश्चन का अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कहीं आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो आपको कुछ टाइम याद रहेंगे, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से खबर को पकड़िए, उसका पूरा निचोड़ निकालिए, ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन बने वो आप उसको कवर कर सको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं, हिंदी में आपको बताता हूँ, दोहरा कराधान। दोहरा कराधान ये होता क्या है, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। डबल टैक्सेशन आपको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है, तो जैसे अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में व्यापार है, तो पहले तो उस गुड्स एंड सर्विसेज पे, हमारे जो यहाँ पे कोई भी चीज़ बन रही है उस पे पहले तो इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, फिर वो पाकिस्तान में बिकने जाता है तो पाकिस्तान में भी फिर इस पे टैक्स लग जाता है, तो वो डबल टैक्सेशन हो जाता है। उससे क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादातर देश जिनके बीच में ज़्यादा व्यापार होता है, तो वो डबल टैक्सेशन को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने भी ऐसा किया है। किसके साथ किया है, कौन से देश के साथ किया, वो किया है चीन के साथ। यही आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड किसके साथ किया है, कौन से देश के साथ भारत ने किया है हाल ही में, तो वो किया है चीन के साथ। दोहरे कराधान को समाप्त पूरी तरह से किया गया है भारत और किस देश के बीच में, चीन के बीच में, क्योंकि चीन से बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। हम कितना भी विरोध कर लें, लेकिन चीनी सामान हम खुद खरीदते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, हर जगह चीनी सामान जो है हमारा यूज़ होता है घरों में, तो आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते जब तक सरकार खुद ना चाहे। तो ये डबल टैक्सेशन और अवॉइड कर दिया आप, तो और भी ज़्यादा आएगा सामान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का कौन सा बन रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, फिर से टैक्स से रिलेटेड आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हमारे से सीधे तौर पर क्या किए जाते हैं, वसूल कर लिए जाते हैं। जिसका इसका एक एग्जांपल है, जैसे इनकम टैक्स है, हमारी इनकम एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे से डायरेक्टली टैक्स वसूल कर लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हमारे से इनडायरेक्टली वसूल किए जाते हैं, जैसे कि हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, उस पर जो टैक्स लगा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, या कोई भी उसका इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है, तो वो अंततः हमारे पर ही, हमारे को इसकी कीमत चुकानी पड़ती, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली पे करते हैं, तो डायरेक्ट इससे जुड़ा करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है इसके। प्रत्यक्ष पर कर पर एक टास्क फोर्स बनाई गई है, प्रत्यक्ष कर टास्क फोर्स, ये गठित की गई है कमेटी। कब गठित की गई थी ये, सबसे पहला इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये गठित की गई है नवंबर 2017 में, नवंबर 2017 में। क्यों गठित की गई है, अगला क्वेश्चन ये है, ये की गई है इनकम टैक्स एक्ट है हमारे संविधान में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट है, उसको रिव्यू करने के लिए, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या और ऐड हो सकता है, इस चीज का रिव्यू करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम रखा प्रत्यक्ष कर टास्क फोर्स। नवंबर 2017 के अंदर इसका गठन हुआ है और 28 फरवरी 2019 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप देनी है, 28 फरवरी 2019 को, जिसमें ये टास्क फोर्स ये बताएगी कि इस टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, अपना सुझाव देगी। अब बात करते हैं इससे जुड़े आज के करंट अफेयर के बारे में। ये हो गया इसका ओवरव्यू। तो इससे जुड़ा करंट अफेयर ये है कि हाल ही में जो प्रत्यक्ष कर के जो टास्क फोर्स के संयोजक हैं, उसको अखिलेश रंजन जी को नियुक्त किया गया है, इनका जो अखिलेश रंजन जी को, सॉरी अखिलेश रंजन,
इनको नियुक्त किया गया है। किसका? प्रत्यक्ष कर कर टास्क फोर्स का संयोजक अखिलेश रंजन को नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका इस किसी भी तरीके से पूछ सकता है, स्टैटिक जीके है तो कभी भी किसी भी हाल में आपसे पूछ सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपका करंट अफेयर सिर्फ इतना ही था कि अखिलेश रंजन जी को प्रत्यक्ष कर टास्क फोर्स का संयोजक नियुक्त किया गया है, और बाकी स्टैटिक जीके बहुत सारा था इसमें जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है? अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका dictionary.com से। कहाँ से बन रहा है? dictionary.com एक वेबसाइट है जिसमें आप इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश कोई भी वर्ड का मीनिंग खोज सकते हैं। तो dictionary.com ने हाल ही में अपना वर्ड ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल का एक इम्पोर्टेंट शब्द चुना जाता है, जैसे ऑक्सफोर्ड वाले भी चुनते हैं वैसे dictionary.com ने भी चुना है। तो वो शब्द इन्होंने कौन सा चुना है, वो आपका क्वेश्चन है। वो शब्द चुना है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन इसका हिंदी में मीनिंग होगा झूठी खबर। तो ये वर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने चुना है, तो ये भी करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन बन सकता है। झूठी खबर, मिस इन्फॉर्मेशन, dictionary.com ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कहां से आ रहा है? एक पोर्टल है जिसका नाम है पैसा। अगर आपने नहीं सुना तो आपको बता देते हैं इसके बारे में। पैसा पोर्टल है, पोर्टल बोलते हैं वेबसाइट को, पैसा पोर्टल है। ये लॉन्च किसने किया था? इलाहाबाद बैंक ने। सबसे पहली बात तो ये है, किसने बनाया है? इलाहाबाद बैंक ने बनाया है। क्यों बनाया है? भारत सरकार के कहने पे बनाया है, नंबर एक बात। और इसका पूरा नाम क्या है? पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, ये इसका पूरा नाम है। आप इसको याद कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो। ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इससे जुड़ा करंट अफेयर ये है कि ये कौन से योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, योजना राष्ट्रीय, ये पूरा बड़ा नाम है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो ये इसका पूरा नाम है। इस योजना के तहत क्या किया गया था? पैसा पोर्टल जो है इलाहाबाद बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो छोटे कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनको क्या देना? लोन देना है, सब्सिडी सरकार देगी। तो पहले इस योजना का नाम ओनली इतना था, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। बाद में 2013 में इसका नाम चेंज करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके करंट अफेयर्स के बन रहे थे। आपको फिर से बता देता हूँ कि कल के बाद से, यानी कल से ही आप मान लीजिए SSC स्टेनोग्राफर की क्लास जो आपकी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और घंटी का बेल आइकन जो आपका आपके सामने है उसको ज़रूर दबाएँ। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।